लौकी आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 250 ग्राम लिया है लौकी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ सब्जी को गार्निश करने के लिए, 1 टीस्पून लिया है सब्जी मसाला, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप स्पाइसी ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे हम सब्जी को बनाने के लिए, आप रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाने। तो यहाँ सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए रख देंगे, और अब इसमें मैं डालूंगी 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि तेल का स्मोक पूरी तरह से निकल ना जाए। तो यहाँ इसको हम गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मसाला भी अच्छे से भून चुका है, मसाले से तेल छूट चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे, और अब डालेंगे हम इसमें लौकी, और इसको भी हम मिक्स करते हुए थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी हम उतना डालेंगे जितने पानी में आलू और लौकी अच्छे से गल जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी बच भी जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर गैस हाई कर देंगे और प्रेशर कुकर बंद करके हम इसको फुल फ्लेम पर 3 विसल आने तक पकाएंगे, और 3 विसल आने के बाद हम गैस बंद करके इसको खोलकर चेक करेंगे। 3 प्रेशर आने के बाद अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं, उसको अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जी बनकर तैयार है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी, थोड़ा सा मैं सर्व करते हुए यूज करूंगी, और अब इसको हम एक डिश में निकाल लेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम कटे हुए हरे धनिये के साथ जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था। तो लीजिए आलू लौकी की सब्जी बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।